नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं FM न्यूज। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलवाने को लेकर आज स्वतंत्रता दिवस पर एक ग्लोबल प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने सुशांत की आत्मा की शांति के लिए आज पतंजलि योग पीठ में यज्ञ किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बाबा रामदेव ने कहा कि सुशांत के जीवन को कातिलों ने छीन लिया, अब कम से कम उनके दिवंगत आत्मा को न्याय मिल सके। बाबा रामदेव के ट्विटर अकाउंट से हवन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मैंने श्री सुशांत जी के परिजनों से बात की, उनका दर्द सुना तो मेरी भी रूह कांप उठी। हम सब पतंजलि में उस दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत और उनके परिजनों को न्याय मिले। बाबा रामदेव के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स अपने रिएक्शन दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर छाए इस वीडियो में बाबा रामदेव सुशांत सिंह राजपूत और उनके परिजनों को न्याय दिलवाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में योग गुरु कहते हैं, मैंने अंगत श्री सुशांत राजपूत की बहन और परिजनों से जब बात की तो जो उनका दर्द सुना उससे मेरी भी रूह कांप और हम सब पतंजलि योगपीठ में उस दिवंगत आत्मा के लिए श्री सुशांत राजपूत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को अपनी शरणागति और शांति प्रदान करें और सुशांत राजपूत को और उनके परिजनों को न्याय मिले। आज हम स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं और ये आज़ादी हमने इसीलिए पाई कि सबको न्याय मिले, किसी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय ना, सबको आजादी से जीने का हक मिले। जिंदगी तो छीन ली कातिलों ने श्री सुशांत राजपूत की, लेकिन कम से कम उसकी दिवंगत आत्मा को तो न्याय मिल जाए, उस परिवार को तो न्याय मिल जाए जो दर दर की ठोकरें खाते हैं। हम प्रभु से आज पतंजलि योगपीठ में हरिद्वार धाम में यही प्रार्थना करते हैं। शांति शांति शांति।